All right, students, let's start our lecture. We will start with revision, right? What we have done in last lecture, we have completed, I think that is ADO.NET architecture, right? And within that ADO.NET architecture, within last lecture, we have started with command builder object, right? After that, we have started with data set, right? Within data set, we have seen data tables, data columns, data rows, right? Then we have also seen data relation, and then we have seen data view, right? And within all the objects, we have seen its properties and methods. And by the end of the lecture, we have also seen what is type data set, right? Type data set means whenever we will create the data set, right? At that time, we are placing tables which we want to use within that particular data set. Right. So students, these were the things which we have covered in last lecture, and we have completed the topic that is ADO.NET, right? That is database interaction. Today we will start the topic that is data binding, right? What is actually data binding? Hum data binding kise kahenge, right? Whenever we will associate data object with web controls, right? Hum jabhi bhi koi bhi data object ko web controls ke saath अटैच करेंगे, असोसिएट करेंगे, एट दैट टाइम वी कैन से दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग डेटा बाइंडिंग, राइट? सो इन सिंपल टर्म्स, इफ आई से इट इज यूज्ड टू बाइंड द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस और एनी अदर डेटा ऑब्जेक्ट्स विथ द डेटा कंट्रोल्स, राइट? अगर हम कोई भी डेटा कंट्रोल्स के साथ डेटा बाइंड कर रहे हैं, राइट? और वो डेटा आइदर वी आर ब्रिंगिंग दोज डेटा फ्रॉम द डेटाबेस और एनी ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट, राइट? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने डेटा बाइंडिंग इम्प्लीमेंट किया है, राइट? नाउ इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट डेटा बाइंडिंग इन ASP.NET, देन देयर आर टू वेज. इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग एंड रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग. अगेन आई रिपीट, अगर हमें डेटा बाइंडिंग को इम्प्लीमेंट करना है, राइट? तो ASP.NET के अंदर देर आर टू वेज. वी कैन यूज सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग एंड वी कैन ऑल्सो यूज रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग और इट इज ऑल्सो सेड एज मल्टीपल वैल्यू डेटा बाइंडिंग. नाउ एज द नेम सेज, इफ वी टॉक अबाउट सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग मीन्स हम कोई भी कंट्रोल के साथ सिंगल वैल्यू को बाइंड कर रहे हैं, राइट? एंड इफ वी टॉक अबाउट रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग, तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं? वी आर बाइंडिंग मल्टीपल वैल्यूज टू द सिंगल डेटा कंट्रोल और विद द सिंगल वेब कंट्रोल, राइट? जब हम ऐसी इस तरह से हम कोई भी चीज इंप्लीमेंट करेंगे, देन इट विल बी सेड एज डेटा बाइंडिंग, राइट? ऑलराइट, नाउ अनदर थिंग इज कि हम सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. Then there are two ways to implement single value data binding. Either it can be hash expression or it can be डॉलर एक्सप्रेशन, राइट? अगर हम हैश एक्सप्रेशन की बात करें, राइट, देन वी कैन से हैश एक्सप्रेशन के अंदर हम जो भी वेरिएबल या फिर जो भी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, राइट, वो सिंगल वैल्यू के अंदर हम पर्टिकुलर वेरिएबल या फिर कोई भी प्रॉपर्टी को हम असाइन करेंगे, राइट? और हम अगर डॉलर एक्सप्रेशन की बात करें तो डॉलर एक्सप्रेशन के अंदर हम ज्यादातर एप्लीकेशन सेटिंग्स रिलेटेड कोई भी डेटा को बाइंड करना चाहते हैं, देन वी कैन डू दैट थिंग विद द हेल्प ऑफ डॉलर एक्सप्रेशन, राइट? अगेन आई रिपीट, अगर हम हैश एक्सप्रेशन की बात करें, राइट, तो हैश एक्सप्रेशन के अंदर हम कोई भी वेरिएबल को कोई भी कंट्रोल के साथ बाइंड कर सकते हैं, राइट? बिकॉज हम वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर करेंगे और बाद में वो जो सिंगल वैल्यू है वो हम पर्टिकुलर कंट्रोल को असाइन कर देंगे, राइट? और ये चीज हम कैसे अचीव कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ हैश एक्सप्रेशन, राइट? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, हमें यहाँ पे याद रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन हम जो बात कर रहे हैं, राइट, दिस एक्सप्रेशन कैन बी प्रोटेक्टेड पब्लिक और इंटरनल, राइट? वो कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी हो सकती है, मेंबर वेरिएबल भी हो सकते हैं, फंक्शन की रिटर्न वैल्यू भी हो सकती है, या फिर कोई स्टैटिक वैल्यू भी हो सकती है. बट इन शॉर्ट, इन सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग इफ वी आर यूजिंग हैश एक्सप्रेशन, देन वी नीड टू कंसिडर ओवर हियर इज कि उसके अंदर एक ही वैल्यू हम बाइंड कर रहे हैं, राइट? मीन्स हम ऐसा कोई वेब कंट्रोल यूज करेंगे, राइट, कि जिसके अंदर हम सिंगल वैल्यू बाइंड कर सके, राइट? सो हमने ये हैश एक्सप्रेशन ऑलरेडी डेटा कंट्रोल के साथ यूज किया है,
अगर आपको याद हो तो जब हमने डेटा कंट्रोल्स पढ़े थे उस वक्त आई थिंक ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ, राइट? ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ जब हमने स्टूडेंट का टेबल ग्रिड व्यू कंट्रोल के साथ बाइंड किया था और उसके अंदर हमने थ्री सब्जेक्ट्स के मार्क्स मार्क्स का जो समेशन किया था, दैट इज इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, राइट? वहां पे हमने हैश एक्सप्रेशन का यूज किया था। वहां पे हमने क्या लिखा था? हैश और उसके बाद इवल फंक्शन का यूज करके हमने डेटाबेस की फील्ड में से वैल्यू ली थी और वो वैल्यू का समेशन किया था, और समेशन होने के बाद एक सिंगल वैल्यू ऑब्वियसली जनरेट होगी और वो पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर असाइन कर दी थी, राइट? मतलब हमने ऑलरेडी हैश एक्सप्रेशन यूज किया है, राइट? सो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज हैश एक्सप्रेशन, बट स्टिल टुडे वी विल सी वन एग्जांपल, राइट? कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर के पास से इनपुट लेंगे हैश एक्सप्रेशन के लिए, दैट इज अ सिंगल वैल्यू हम इनपुट लेंगे और वो पर्टिकुलर वैल्यू को हम लेबल की प्रॉपर्टी के अंदर असाइन करेंगे, राइट? उसके साथ साथ हम दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे कि जिसके अंदर फंक्शन का जो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट, दैट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पाथ फॉर इमेज कंट्रोल, दैट इज द वैल्यू फॉर SRC एट्रीब्यूट ऑफ इमेज कंट्रोल, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, राइट? सो ये एग्जाम्पल ऑलरेडी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे, सो मैं यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ राइट नाउ, राइट? नाउ एज आई हैव टोल्ड दैट सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ हैश एक्सप्रेशन एज वेल एज डॉलर एक्सप्रेशन, राइट? हैश एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, मैंने ग्रिड व्यू का एग्जाम्पल दिया जो हमने ऑलरेडी देखा है, राइट? डॉलर एक्सप्रेशन कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, राइट? अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन रिलेटेड सेटिंग्स को या फिर कनेक्शन स्ट्रिंग रिलेटेड सेटिंग्स को वेब कंट्रोल के साथ बाइंड करना है, उस वक्त हम डॉलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि हम कैसे एप्लीकेशन सेटिंग के अंदर वैल्यू बना सकते हैं या फिर एप्लीकेशन सेटिंग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी WAT, दैट इज वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, विच इज अ GUI टूल, जो मैंने web.config फाइल को कस्टमाइज करने के लिए ग्राफिकल टूल एक्सप्लेन किया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन सेटिंग क्रिएट कर सकते हो, राइट? सो अगर हमने कोई एप्लीकेशन सेटिंग ऑलरेडी क्रिएट किया है, राइट, और वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन सेटिंग को मुझे कोई वेब कंट्रोल के साथ बाइंड करना है, राइट, तो वहां पे मैं डॉलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकती हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी लिटरल कंट्रोल है, राइट, लिटरल कंट्रोल के अंदर हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्या लिखा है, दैट इज एंगल ब्रैकेट परसेंटेज डॉलर, डॉलर के अंदर मुझे क्या एक्सेस करना है, एपीपी सेटिंग्स, एपीपी सेटिंग्स को एक्सेस करना है और वो पर्टिकुलर एपीपी सेटिंग्स में से मुझे कौन सा वेरिएबल एक्सेस करना है, टेस्ट वेरिएबल मुझे एक्सेस करना है। इन शॉर्ट, जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उस वक्त क्या होगा, एप्लीकेशन सेटिंग में से जो टेस्ट नाम का जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू होगी वो ये लिटरल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर असाइन हो जाएगी, राइट? और ये अपने आप हो जाएगा एट द पेज लोड इवेंट, बिकॉज हमने यहाँ पे डॉलर एक्सप्रेशन का यूज किया है, राइट? सो ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमें एप्लीकेशन सेटिंग्स रिलेटेड या फिर कनेक्शन स्ट्रिंग रिलेटेड कोई भी वैल्यू को वेब कंट्रोल के साथ बाइंड करनी है, उस वक्त हम डॉलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, राइट? नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन हैश एक्सप्रेशन एंड डॉलर एक्सप्रेशन इज, अगर हम हैश एक्सप्रेशन को यूज करना चाहते हैं, राइट, एट दैट टाइम हमें एक्सप्लिसिटली डेटा बाइंड मेथड को कॉल करना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आप हैश एक्सप्रेशन का यूज करते हो, राइट, और हैश एक्सप्रेशन का यूज करके आपको सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग इम्प्लीमेंट करना है, तो उस वक्त आपको एक्सप्लिसिटली डेटा बाइंड मेथड को कॉल करना पड़ेगा, राइट? अगर आप डेटा बाइंड मेथड को कॉल नहीं करोगे तो हैश एक्सप्रेशन इवेल्युएट नहीं होगा। इन शॉर्ट, हैश एक्सप्रेशन डेटा को बाइंड नहीं करेगा, राइट? बट इफ वी टॉक अबाउट डॉलर एक्सप्रेशन, तो डॉलर एक्सप्रेशन के साथ हमें डेटा बाइंड मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है,
राइट, बिकॉज वो अपने आप वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन सेटिंग या फिर कनेक्शन स्ट्रिंग में से वैल्यू को रिट्राइव करेगा और हमारे जो वेब कंट्रोल है उसके अंदर हमें असाइन करके दे देगा. राइट, सो द डिफरेंस बिटवीन हैश एक्सप्रेशन एंड डॉलर एक्सप्रेशन इज, हैश एक्सप्रेशन के साथ हमें डेटा बाइंड मेथड को यूज करना है एंड इट इज कंपल्सरी, बट डॉलर एक्सप्रेशन के बाद डॉलर एक्सप्रेशन के साथ इट इज नॉट नीडेड टू यूज डेटा बाइंड मेथड टू इवेल्युएट द वैल्यू विच इज प्रेजेंट विद इन डॉलर एक्सप्रेशन. सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो हम डेटा बाइंड मेथड इसलिए यूज करते हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू इवेल्युएट द वैल्यू विच इज प्रेजेंट विद इन दैट सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग. राइट, हैश एक्सप्रेशन के अंदर हमें एक्सप्लिसिटली इवेल्युएट करने की जरूरत पड़ेगी लेकिन डॉलर एक्सप्रेशन के अंदर हमें उसकी जरूरत नहीं है. राइट, वो इम्प्लिसिटली उसको इवेल्युएट कर देगा. राइट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैश एक्सप्रेशन एंड डॉलर एक्सप्रेशन. सी ओवर हियर, यहाँ पे मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लिया है. फॉर एग्जाम्पल ये एसक्यूएल डेटा सोर्स कंट्रोल है. राइट, उसके अंदर मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग जो प्रॉपर्टी है उसमें मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग की वैल्यू चाहिए. तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, डॉलर एक्सप्रेशन यूज किया. डॉलर एक्सप्रेशन में मुझे कहना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशन सेटिंग है या फिर कनेक्शन स्ट्रिंग है. ऑब्वियसली यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग है इसलिए मैंने लिखा है कनेक्शन स्ट्रिंग्स. और उसके बाद web.config फाइल के अंदर जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम है वो, यहाँ पे ये एग्जाम्पल में web.config फाइल के अंदर जो कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम है दैट इज डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग. सो मैंने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी के अंदर एंगल ब्रैकेट परसेंटेज के अंदर डॉलर लिखा, डॉलर के साथ मैंने लिखा कनेक्शन स्ट्रिंग्स कॉलन, और कॉलन के बाद मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम लिखा जो web.config फाइल के अंदर मैंने दिया है, दैट इज डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग. इन शॉर्ट जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये क्या करेगा, web.config फाइल में से जो भी ये डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग है वो वहां से रिट्राइव करेगा और ये पर्टिकुलर कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी के अंदर असाइन कर देगा, ताकि बाद में ये जो सिलेक्ट कमांड हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, राइट, ये हम एग्जीक्यूट कर पाए. राइट, सो दिस इज अबाउट डॉलर एक्सप्रेशन कि हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं. एंड डॉलर यू नीड टू रिमेम्बर दैट डॉलर एक्सप्रेशन इज यूज टू बाइंड एप्लीकेशन सेटिंग एंड कनेक्शन स्ट्रिंग टू द वेब कंट्रोल. और हैश एक्सप्रेशन हम कब यूज कर सकते हैं, राइट, हैश एक्सप्रेशन इज यूज्ड व्हेनेवर वी वांट टू बाइंड आइदर अ वेरिएबल और अ प्रॉपर्टी वैल्यू और द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन टू सम वेब कंट्रोल, उस वक्त हम हैश एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं. राइट, द सेकेंड टाइप ऑफ डेटा बाइंडिंग इज रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग. एज द नेम सेज कि इसके अंदर जो भी वैल्यूज होगी वो रिपीटेड वैल्यू होगी, मोर देन वन वैल्यू होगी, मल्टीपल वैल्यू होगी, या फिर यू कैन ऑल्सो से इट एज अ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. मीन्स विथ सिंगल कंट्रोल, एक ही कंट्रोल के अंदर अगर हम लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, मल्टीपल वैल्यूज, राइट, या फिर मोर देन वन वैल्यूज को अगर हम बाइंड कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी कैन से दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग द कंसेप्ट ऑफ रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग. अगेन आई रिपीट, अगर हम एक ही कंट्रोल के साथ मल्टीपल वैल्यूज या फिर लिस्ट ऑफ वैल्यूज को बाइंड कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी कैन से दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग द कंसेप्ट ऑफ रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग. राइट, और अगर मुझे रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग का यूज करना है तो मुझे ऐसे ही कंट्रोल्स यूज करने पड़ेंगे जो ये सपोर्ट करता हो. राइट, सो वी कैन टेक इट लाइक एज लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, चेकबॉक्स लिस्ट, रेडियो बटन लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट. राइट, दिस ऑल आर लिस्ट कंट्रोल्स कि जिसके साथ हम मोर देन वन वैल्यू को बाइंड कर सकते हैं. राइट, और कौन सी प्रॉपर्टीज का हम यूज कर सकते हैं, डेटा सोर्स मीन्स हमें डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा टेक्स्ट फील्ड एंड डेटा वैल्यू फील्ड. डेटा टेक्स्ट फील्ड मीन्स हमें कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करनी है, कौन सा डेटा डिस्प्ले करना है. एंड डेटा वैल्यू फील्ड मीन्स इंटरनली हमें कौन सी फील्ड यूज करनी है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू डिस्प्ले स्टूडेंट नेम तो डेटा टेक्स्ट फील्ड में मैं स्टूडेंट नेम सेट करूंगी. एंड इफ आई वॉन्ट टू यूज रोल नंबर एज अ वैल्यू तो डेटा वैल्यू फील्ड में मैं रोल नंबर सेट करूंगी. राइट, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच वी विल यूज विथ रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग.
राइट। नाउ अनदर थिंग इज कि हम रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग के अंदर कोई भी कलेक्शन का यूज कर सकते हैं, राइट। एरे लिस्ट है, हैश टेबल है, शॉर्टेड लिस्ट है, डेटा रीडर है, डेटा सेट है। इन शॉर्ट, ऐसा कोई भी कलेक्शन के जो लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सपोर्ट करता हो, राइट, वो पर्टिकुलर कलेक्शन को हम वेब कंट्रोल के साथ या फिर डेटा कंट्रोल के साथ या फिर लिस्ट कंट्रोल के साथ हम बाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग। वो हमें यहाँ पे याद रखना है, राइट। सो इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, राइट। सो थियोरी रिलेटेड टू द डेटा बाइंडिंग, दैट इज सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग एंड रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग इज कम्प्लीटेड ओवर हियर, राइट। आई विल रिपीट द थियोरी इन ब्रीफ। अगर हम सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग की बात करते हैं, राइट, तो उसके अंदर हमें क्या कंसिडर करना है कि हम वहां पे एक ही वैल्यू को बाइंड कर सकते हैं विथ अवर वेब कंट्रोल। और अगर हम रिपीटेड वैल्यू को कंसिडर करते हैं, एट दैट टाइम वी नीड टू रिमेम्बर कि हम वहां पे मल्टीपल वैल्यूज को बाइंड कर सकते हैं, राइट। सिंगल वैल्यू अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है, दैट इज सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग मुझे इंप्लीमेंट करना है, देन देयर आर टू वेज, दैट इज हैश एक्सप्रेशन एंड डॉलर एक्सप्रेशन। इफ आई टॉक अबाउट हैश एक्सप्रेशन, तो हैश एक्सप्रेशन में कब यूज कर सकती हूँ? अगर मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू या फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू या फिर रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन को मुझे बाइंड करना है, तो उस वक्त मैं हैश एक्सप्रेशन का यूज कर सकती हूँ। और अगर मुझे एप्लीकेशन सेटिंग्स रिलेटेड या फिर कनेक्शन स्ट्रिंग्स रिलेटेड कोई भी वैल्यू बाइंड करनी है, तो उस वक्त मैं डॉलर एक्सप्रेशन का यूज करूंगी, राइट। डिफरेंस बिटवीन हैश एक्सप्रेशन एंड डॉलर एक्सप्रेशन इज, हैश एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए, हैश एक्सप्रेशन का यूज करके डेटा बाइंड करने के लिए मुझे एक्सप्लिसिटली डेटा बाइंड मेथड को कॉल करना पड़ेगा, राइट। लेकिन डॉलर एक्सप्रेशन अपने आप इवेल्युएट होगा, इसलिए वहां पे मुझे डेटा बाइंड मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग, सो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, मीन्स मल्टीपल वैल्यूज होगी जो सिंगल डेटा कंट्रोल या फिर सिंगल वेब कंट्रोल के साथ बाइंड होंगी, राइट। और अगर हमें वहां पे उस हिसाब से बाइंड करना है, तो वहां पे हम कलेक्शन का यूज कर सकते हैं, बिकॉज कलेक्शन के अंदर हमें पता है कि हम एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अ ब्रीफ related to the theory of data binding, right? So example देखते हैं, right? Example के अंदर मैंने simple एक example design किया है, right? जो हमारी already created website है, that is control CX, right? उसके अंदर मैंने एक folder create किया है, that is single repeated value, right? और उसके अंदर मैंने two pages create किए हैं, that is default.aspx and default 2.aspx. default.aspx के ऊपर मैंने सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए कोड लिखा है, दैट इज हैश एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जांपल बनाया है, एंड default 2.aspx के अंदर रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने कोड लिखा है, दैट इज एग्जांपल बनाया है, राइट। सो फर्स्ट वी विल सी default.aspx पेज, सो हियर इट इज। default.aspx पेज को मैंने डिजाइनिंग इस हिसाब से किया है, मैं क्या करूंगी, मैं यूजर के पास से एक वैल्यू इनपुट लूंगी, ऑब्वियसली वो ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनपुट आएगा, और बाइंड बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो वैल्यू को मैं ये पर्टिकुलर लेबल के साथ बाइंड कर दूंगी। लेकिन ये जो बाइंडिंग है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ हैश एक्सप्रेशन। कोड के अंदर मैंने लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी असाइन नहीं की है, राइट। मैंने हैश एक्सप्रेशन का यूज किया है, और हैश एक्सप्रेशन का यूज करके मैंने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर असाइन किया है। एंड अलॉन्ग विथ दैट, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक इमेज कंट्रोल लिया है, राइट। सो वो पर्टिकुलर इमेज कंट्रोल की SRC प्रॉपर्टी के अंदर, दैट इज सोर्स प्रॉपर्टी के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है, और वो फंक्शन में से जो इमेज रिटर्न होगी, दैट इमेज विल बी सेट एज एन इमेज विद इन दिस इमेज कंट्रोल, राइट। और ये भी मैंने हैश एक्सप्रेशन का यूज करके किया है, राइट। सो फर्स्ट ये डिजाइनिंग आप देख लो, मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा, दैट इज एंटर वैल्यू, उसके साथ मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल रखा है,
राइट, वो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का आईडी क्या है, दैट इज टीएक्सटी एसटी नेम. अगेन आई रिपीट, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का आईडी है दैट इज टीएक्सटी एसटी नेम. राइट, सो वो ऑब्वियसली हमें यूज करना पड़ेगा. आफ्टर दैट मैंने एक बटन कंट्रोल रखा है, राइट, बटन कंट्रोल का आईडी है दैट इज btn bind और टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सेट की है दैट इज bind, राइट. देन आई हैव प्लेस्ड वन लेबल कंट्रोल. लेबल कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी में मैंने क्या लिखा है, दैट इज lbl value, राइट. और ऑब्वियसली मैंने वहां पे जो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको मैंने एम्प्टी कर दिया है, मतलब टेक्स्ट प्रॉपर्टी में अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट. उसके बाद मैंने एक इमेज कंट्रोल लिया है. इमेज कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी मैंने सेट की है दैट इज आईएमजी ईएक्स, राइट. और ऑब्वियसली एसआरसी तो मैं रन टाइम के ऊपर सेट करूंगी विद द हेल्प ऑफ हैश एक्सप्रेशन. सो दिस इज द डिजाइन जो आपको ध्यान में रखना है, राइट. अब हमें क्या करना है, लेबल के अंदर, राइट, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मुझे हैश एक्सप्रेशन का यूज करना है, राइट. सो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट. अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज द लेबल कंट्रोल, राइट. ये लेबल कंट्रोल के अंदर दैट इज lbl वैल्यू उसकी आईडी है, राइट. टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने क्या लिखा है, एंगल ब्रैकेट परसेंटेज हैश एंड आई हैव रिटन एसटी नेम, राइट. अगेन आई रिपीट, मैंने लेबल प्रॉपर्टी लेबल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हैश एक्सप्रेशन का यूज किया है. मैंने क्या लिखा है, एंगल ब्रैकेट परसेंटेज हैश एसटी नेम. ओवर हियर दिस एसटी नेम इज द वेरिएबल नेम. अगेन आई रिपीट, दिस एसटी नेम इज द वेरिएबल नेम जो मैंने कोड व्यू में डिफाइन किया है. मींस रन टाइम के ऊपर, राइट, जब भी ये एसटी नेम के अंदर वैल्यू आएगी, वो ये हैश एक्सप्रेशन का यूज करके लेबल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर असाइन हो जाएगी. अगेन आई रिपीट, टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने लिखा है एंगल ब्रैकेट परसेंटेज के अंदर हैश एक्सप्रेशन दैट इज हैश एसटी नेम. यहाँ पे एसटी नेम इज द वेरिएबल नेम. इट मींस रन टाइम पे अगर एसटी नेम के अंदर वैल्यू आती है तो हैश एक्सप्रेशन के अंदर वो अपने आप टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर असाइन हो जाएगी, राइट. लाइकवाइज ये जो इमेज कंट्रोल है, इमेज कंट्रोल की एस आर सी प्रॉपर्टी के अंदर मैंने फिर से हैश एक्सप्रेशन का यूज किया है, राइट, दैट इज एंगल ब्रैकेट परसेंटेज हैश एंड आफ्टर दैट आई हैव स्पेसिफाइड द फंक्शन नेम दैट इज इमेज पाथ. यहाँ पे इमेज पाथ इज द फंक्शन नेम. एज यू कैन सी, मैंने उसके बाद empty parenthesis लिखा है, राइट. सो यू कैन से इट एज अ फंक्शन. सो मैंने यहाँ पे हैश एक्सप्रेशन के अंदर फंक्शन का यूज किया है. ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन एक इमेज रिटर्न करेगा, इमेज का पाथ रिटर्न करेगा एंड दैट विल बी असाइन एज अ वैल्यू फॉर एस आर सी प्रॉपर्टी ऑफ दिस इमेज कंट्रोल, राइट. सो यहाँ पे हमने दो अलग अलग चीजें की है, वेरिएबल को भी वेब कंट्रोल के साथ बाइंड किया विद द हेल्प ऑफ हैश एक्सप्रेशन और फंक्शन को भी हमने हैश एक्सप्रेशन का यूज करके वेब कंट्रोल के साथ बाइंड किया, राइट. अब हम कोड देखते हैं, राइट. सी ओवर हियर, राइट, ये डिफॉल्ट पेज का कोड है. उसके ऊपर ऑब्वियसली मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये एसटी नेम जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे यूज किया है वो मुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, राइट. सो वो वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, दैट इज पब्लिक एसटी नेम एज स्ट्रिंग. आपको याद रखना है कि अगर आपको इस हिसाब से वेरिएबल का यूज करना है, दैट इज कोड व्यू में आपने उसको डिफाइन किया है और आपको यूज करना है सोर्स व्यू के अंदर, एट दैट टाइम यू नीड टू डिफाइन दैट वेरिएबल एज अ पब्लिक, राइट. तो ही आप उसको यहाँ पे सोर्स व्यू में एक्सेस कर सकते हो, राइट. एंड एज वी वॉन्ट टू यूज द वैल्यू विच विल बी प्रेजेंट विद इन एसटी नेम एज अ वैल्यू ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टी, राइट. तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने डिफाइन किया दैट इज एसटी नेम विच इज पब्लिक, राइट. आफ्टर दैट मैंने बटन की क्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर क्या किया, btn bind जो बटन है हमारे डिजाइन के ऊपर, राइट, डिजाइनिंग के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक बटन रखा है दैट इज btn bind. सो btn bind बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने क्या लिखा, एसटी नेम इज इक्वल टू txt एसटी नेम डॉट टेक्स. मतलब ये जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा
वो कहाँ पे असाइन हो जाएगा, वो वैल्यू कहाँ पे असाइन हो जाएगी, दैट वैल्यू विल बी असाइन टू द एसटी नेम वेरिएबल जो यहाँ पे हमने पब्लिकली डिक्लेयर किया है. एंड जब मैं ये मी डॉट डेटा बाइंड मेथड कॉल करूंगी, राइट, तो क्या होगा, जो एसटी नेम के अंदर जो वैल्यू होगी, राइट, दैट वैल्यू विल बी असाइन टू द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस लेबल कंट्रोल. अगेन आई रिपीट, जब ये मी डॉट डेटा बाइंड स्टेटमेंट कॉल होगा, उस वक्त द वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन एसटी नेम वेरिएबल, राइट, विल बी असाइन टू द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस लेबल कंट्रोल. राइट, मतलब जब ये डेटा बाइंड मेथड कॉल होगी तभी ये वैल्यू असाइन होगी, राइट, उससे पहले वैल्यू असाइन नहीं होगी. नाउ अनदर थिंग, जो हमने इमेज पाथ फंक्शन बनाया है, राइट, दैट इज पब्लिक फंक्शन इमेज पाथ, ऑब्वियसली वो एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा. सो मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न टाइप एज ए स्ट्रिंग, राइट, और रिटर्न के साथ मैंने एक इमेज ली जो मुझे रिटर्न करनी है, जो ऑलरेडी मेरे वेबसाइट के फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज डेजर्ट डॉट जेपीजी. राइट, मतलब ये जो डेजर्ट डॉट जेपीजी जो इमेज है वो ऑलरेडी मेरे वेबसाइट के फोल्डर के अंदर है, राइट, दैट्स वाई मैंने रिटर्न कीवर्ड के साथ क्या लिखा, विद इन डबल कोटेशन डेजर्ट डॉट जेपीजी. मतलब क्या होगा, जब भी डेटा बाइंड मेथड कॉल होगी, अगेन आई रिपीट, जब भी डेटा बाइंड मेथड कॉल होगी ये पर्टिकुलर पेज के लिए, उस वक्त ये जो फंक्शन है दैट इज इमेज पाथ वो यहाँ से कॉल होगा. राइट, कॉल होने के बाद जो भी वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, दैट इज डेजर्ट डॉट जेपीजी, विल बी असाइन टू द एसआरसी प्रॉपर्टी ऑफ दिस इमेज कंट्रोल. अगेन आई रिपीट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब भी ये पेज के लिए डेटा बाइंड मेथड कॉल होगी, उस वक्त ये इमेज पाथ फंक्शन कॉल होगा. इमेज पाथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इट विल रिटर्न डेजर्ट डॉट जेपीजी. ये जो इमेज यहाँ से रिटर्न हुई, दैट विल बी असाइन टू द एसआरसी प्रॉपर्टी ऑफ इमेज कंट्रोल. राइट, मतलब एसआरसी प्रॉपर्टी के अंदर हमें वो पर्टिकुलर इमेज मिल जाएगी. राइट, सो को यहाँ पे याद रखना है कि आपको यहाँ पे डेटा बाइंड मेथड को कॉल करना है. नाउ द थिंग इज दैट, अगर आपको पेज के ऊपर ये इमेज जैसे ही पेज लोड होता है उस वक्त चाहिए, तो आपको पेज लोड इवेंट के ऊपर मी डॉट डेटा बाइंड मेथड कॉल करनी पड़ेगी. अगेन आई रिपीट, अगर आपको ये जो इमेज है वो पेज लोड होते ही आपको चाहिए, तो आपको पेज लोड इवेंट के ऊपर मी डॉट डेटा बाइंड मेथड को कॉल करना पड़ेगा. राइट, अगर आप यहाँ पे मी डॉट डेटा बाइंड मेथड कॉल नहीं करोगे, तो वो कब असाइन होगी, जब भी ये मी डॉट डेटा बाइंड मेथड कॉल होगी तब. और हमने दूसरी बार कहाँ पे लिखा है मी डॉट डेटा बाइंड, ये जो बाइंड बटन की क्लिक इवेंट है वहां पे हमने लिखा है. इट मीन्स अगर हम पेज लोड के ऊपर डेटा बाइंड मेथड को कॉल करते हैं, तो पेज लोड होने के साथ साथ ही ये इमेज हमें डिस्प्ले की हुई मिलेगी. और अगर हम यहाँ पे नहीं कॉल करते हैं, तो जब भी ये डेटा बाइंड मेथड कॉल होगी, उस वक्त हमें इमेज इमेज कंट्रोल के अंदर दिखाई देगी. राइट, सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज यू नीड टू रिमेम्बर ओवर हियर इज, अगर आपको हैस एक्सप्रेशन का यूज करना है डेटा बाइंड करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा बाइंड मेथड को कॉल करना पड़ेगा, तो ही आप हैस एक्सप्रेशन की वैल्यू को कोई भी वेब कंट्रोल के अंदर असाइन कर सकते हो. राइट, नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग, वो भी हम पहले देख लेते हैं, बाद में दोनों पेज एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे. सो रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग के अंदर मैंने जो कंट्रोल लिया है, दैट इज लिस्ट बॉक्स कंट्रोल. राइट, एज यू कैन सी मैंने उसकी आईडी प्रॉपर्टी सेट की है, दैट इज एलएसटी वैल्यू. राइट, और मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू आइटम्स कलेक्शन के अंदर डिजाइन टाइम के अंदर असाइन नहीं की है. राइट, एंड उसके साथ साथ मैंने एक शो बटन रखा है. राइट, और उसकी आईडी प्रॉपर्टी है दैट इज btn शो, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज शो. मतलब मैं जब भी ये शो बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, राइट, मुझे वैल्यूज कहाँ पे चाहिए, विद इन दिस लिस्ट बॉक्स कंट्रोल. राइट, और मैं यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग का यूज करूंगी. राइट, सो लेट सी द क्लिक इवेंट ऑफ दिस शो बटन. राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, शो बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर, राइट, मैंने पहले क्या किया,
एरे लिस्ट नाम का ऑलरेडी .NET फ्रेमवर्क के अंदर कलेक्शन है, वो कलेक्शन का यूज करके मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अगेन आई रिपीट, .NET फ्रेमवर्क के अंदर एरे लिस्ट नाम का एक कलेक्शन है, राइट? वो कलेक्शन को अगर मुझे यूज करना है तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैंने ये स्टेटमेंट के अंदर क्या किया, डीम arlst एज न्यू एरे लिस्ट, मतलब एरे लिस्ट जो कलेक्शन का क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। नाउ एज वी नो दैट इफ वी वॉन्ट टू एड वैल्यूज विद इन द कलेक्शन तो हमें एड मेथड का यूज करना पड़ेगा, राइट? सो एड मेथड का यूज किया मैंने यहाँ पे, दैट इज arlist डॉट एड, और मैंने पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर मैंने वैल्यू असाइन की, दैट इज एबीसी। आफ्टर दैट arlist डॉट एड, मैंने पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर मैंने वैल्यू असाइन की, दैट इज एक्स वाई जेड। अगेन arlist डॉट एड, पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर मैंने वैल्यू असाइन की, दैट इज एम एन ओ, राइट? मतलब मैंने थ्री वैल्यूज एरे लिस्ट जो कलेक्शन है उसके अंदर मैंने असाइन कर दी है। Now what I want to do, I have to set this array list as a data source for this list box. मतलब list box के data source property के अंदर मुझे ये array list collection को set करना पड़ेगा, right? So मैंने क्या किया, lst value which is the name of the list box control dot data source, मैंने उसकी data source property का use किया, right? और उसके अंदर मैंने assign किया that is ar lst which is the object of array list collection, right? And after that, as we know ke agar hame koi bhi data bind karna hai hamare controls ke sath, right, to hame data bind method ko call karna padega. That's why I have written over here, that is me dot data bind. Though we have assigned the array list to the data source for list box control, लेकिन जब तक हम ये डेटा बाइंड मेथड को कॉल नहीं करेंगे हमें कोई भी वैल्यू लिस्ट बॉक्स के अंदर दिखाई नहीं देगी, राइट? सो इफ वी वांट टू सी द वैल्यूज विद इन द लिस्ट बॉक्स, और मोर प्रिसाइज वी कैन से इफ वी वांट टू बाइंड द वैल्यूज विद इन दिस लिस्ट बॉक्स, राइट, तो हमें मी डॉट डेटा बाइंड मेथड को कॉल करना पड़ेगा, तो ही हम उसके अंदर लिस्ट बॉक्स के साथ हम डेटा को बाइंड कर सकते हैं, राइट? सो दिस आर द टू पेजेस, default.aspx के ऊपर मैंने एग्जांपल बनाया है, दैट इज फॉर सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग, एंड default2.aspx के अंदर मैंने जो एग्जांपल बनाया है दैट इज ऑफ रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग, राइट? नाउ लेट्स डू वन थिंग, पहले हम default.aspx पेज को स्टार्ट पेज सेट करते हैं, राइट? एंड लेट्स एग्जीक्यूट दैट पेज। ऑलराइट, सी ओवर हियर, default.aspx पेज ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले हुआ है, राइट? और इमेज कंट्रोल के अंदर यू आर एबल टू सी द इमेज जो हमने बाइंड की है, राइट? ये हमें यहाँ पे क्यों दिखाई दे रही है, बिकॉज हमने कोडिंग के अंदर, राइट, पेज लोड के ऊपर हमने मी डॉट डेटा बाइंड मेथड को कॉल किया है। दैट्स वाई जैसे ही ये पेज लोड हुआ हमें इमेज कंट्रोल के अंदर इमेज दिखाई दे रही है, राइट? नाउ लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल एबीसी एक्सवाईजेड, मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू इनपुट की, एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन बाइंड बटन। सी, जैसे ही मैंने बाइंड बटन के ऊपर क्लिक किया, राइट, मुझे ये जो एबीसी एक्सवाईजेड मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन इनपुट की है वो मुझे यहाँ पे लेबल कंट्रोल के अंदर दिखाई दे रही है। ये मुझे क्यों दिखाई दे रही है, बिकॉज मैंने कोडिंग के अंदर क्या लिखा है, बाइंड बटन की क्लिक इवेंट के अंदर मैंने ये जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है उसको एसटी नेम जो पब्लिक वेरिएबल है उसके अंदर असाइन किया है, और ये पब्लिक वेरिएबल हमने लेबल कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हैस एक्सप्रेशन के साथ हमने लिखा हुआ है, राइट? और हमने क्या किया, उसके बाद हमने मी डॉट डेटा बाइंड मेथड को कॉल किया। इट मीन्स ये जो वेरिएबल के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू होगी वो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर असाइन हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी ओवर हियर दैट इज एबीसी एक्सवाईजेड, राइट? सो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मी डॉट डेटा बाइंड मेथड को कॉल करना पड़ेगा, राइट? नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द सेकेंड पेज, दैट इज default2.aspx।
राइट। डिफॉल्ट 2.aspx के ऊपर हमने यहाँ पे ये लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का यूज किया है, राइट। ऑब्वियसली पेज लोड के ऊपर हमने कोई भी कोड नहीं लिखा है, कोई भी वैल्यू एड नहीं की है राइट नाउ, सो लिस्ट बॉक्स कंट्रोल इज एम्प्टी। शो बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, राइट। सी, जैसे ही मैंने शो बटन के ऊपर क्लिक किया, जो हमने वो एरे लिस्ट कलेक्शन के अंदर वैल्यू एड की थी, राइट, वो सारी वैल्यूज मुझे ये लिस्ट बॉक्स के अंदर दिखाई दे रही है, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या कोड लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है कि लिस्ट बॉक्स की डेटा सोर्स प्रॉपर्टी के अंदर पहले तो हमने वो एरे लिस्ट कलेक्शन को सेट किया, और उसके बाद हमने एक्सप्लिसिटली मी डॉट डेटा बाइंड मेथड को कॉल किया, ताकि जो भी डेटा एरे लिस्ट कलेक्शन में है वो लिस्ट बॉक्स के साथ भी बाइंड हो जाए, राइट। दैट्स वाई हमें यहाँ पे वो लिस्ट बॉक्स के अंदर वो थ्री वैल्यूज दिखाई दे रही है, राइट। सो दिस इज सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग एंड रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंडिंग। कि अगर हमें सिंगल वैल्यू डेटा बाइंडिंग करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज हैश एक्सप्रेशन एंड डॉलर एक्सप्रेशन, राइट। और अगर हमें रिपीटेड वैल्यू डेटा बाइंड करना है तो हम मल्टीपल वैल्यूज कोई भी कलेक्शन के अंदर असाइन कर सकते हैं और उसको हम बाइंड कर सकते हैं। लेट्स डू वन थिंग, हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो पेज लोड है, मैं यहाँ पे ये मी डॉट डेटा बाइंड को कमेंट कर देती हूँ, राइट। अगेन आई रिपीट, मैंने क्या किया, मैंने पेज लोड के ऊपर जो मैंने मी डॉट डेटा बाइंड लिखा था उसको मैंने कमेंट कर दिया है, राइट। लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। सी, पेज तो लोड हुआ, दैट इज डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स पेज लोड हुआ ब्राउजर के अंदर, लेकिन हमें इमेज कंट्रोल के अंदर कोई भी इमेज नहीं दिखाई दे रही है, बिकॉज पेज लोड के ऊपर डेटा बाइंड मेथड कॉल नहीं हुई, राइट। नाउ लेट्स गिव द वैल्यू विद इन दिस टेक्स्ट बॉक्स एंड आई विल क्लिक ऑन बाइंड बटन। हमें पता है कि बाइंड बटन के ऊपर हमने मी डॉट डेटा बाइंड लिखा है, इट मीन्स अब जैसे ही मैं बाइंड बटन के ऊपर क्लिक करूंगी मुझे इमेज कंट्रोल के अंदर वो इमेज दिखाई देनी चाहिए, राइट। लेट्स क्लिक ऑन बाइंड बटन। सी ओवर हियर, जैसे ही मैंने बाइंड बटन के ऊपर क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू तो लेबल कंट्रोल के अंदर असाइन हो ही गई because of that variable which we have used in hash expression, लेकिन उसके साथ साथ इमेज कंट्रोल के अंदर भी हमें इमेज दिखाई दे रही है, because हमने bind button की click event के ऊपर me.databind method को call किया है, right? So students, this is all about data binding, that is single value data binding and repeated value data binding, right? So ये topic यहाँ पे complete होता है। So हमने सिलेबस के हिसाब से हमने कौन कौन सी चीज कंप्लीट की है, थर्ड यूनिट आई थिंक पूरा कंप्लीट हो गया, दैट इज डेटाबेस एक्सेस, राइट। हमने वहां पे इंट्रोडक्शन टू ADO.NET भी देखा और उसके साथ साथ हमने प्रोवाइडर एडप्टर रीडर और कमांड बिल्डर का ऑब्जेक्ट भी देखा, राइट। सो ऑब्वियसली दिस इज कंप्लीटेड, राइट। एंड उसके साथ साथ हमने ये जो 2.2 है, दैट इज डेटा बाइंडिंग, राइट, ये भी हमने आज कंप्लीट कर दिया, सॉरी। तो अगर आप देखोगे तो हमने सिलेबस में से कौन कौन सी चीजें कंप्लीट की है, दैट इज फर्स्ट यूनिट के अंदर .NET फ्रेमवर्क CLR ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स वो बाकी है, सेकंड यूनिट के अंदर ये जो कंट्रोल्स रिलेटेड जो थियरी है वो बाकी है, हमने सारे कंट्रोल्स प्रैक्टिकली देखे हुए है, राइट, लेकिन जो उसके लिए रिलेटेड थियरी है वो बाकी है, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको हाईलाइट नहीं किया है। थर्ड यूनिट इज कंप्लीटेड, फोर्थ यूनिट इज कंप्लीटेड और फिफ्थ यूनिट के अंदर जो साइट मैप पाथ सर्वर कंट्रोल है, राइट, वो हमारा बाकी है। दैट्स वाई वो ऑब्वियसली कंट्रोल के साथ साथ है, तो हम जब कंट्रोल्स की थियरी देखेंगे उस वक्त हम ये साइट मैप पाथ कंट्रोल की भी थियरी देख लेंगे, राइट। So students, this is all about today's lecture, right? मेरे एंड से आज के लेक्चर का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, because still we have 10 to 13 minutes, right? So अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। Else, after that we will end our lecture over here.